उत्तराखंड राज्य की तीर्थ नगरी देवप्रयाग में लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश व पंजाब से लोगों का गढ़वाल क्षेत्र में पहुंचना जारी है। दिल्ली आदि से कई सौ किलोमीटर दूर देवप्रयाग तक इन लोगों के आ जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हर जगह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी आखिर यह लोग यहां तक कैसे पहुंच पा रहे हैं। पुलिस ने 34 ऐसे लोगों को पकड़ा है और बदरिकेदार मंदिर समिति के धर्मशाला से इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग जा रहा एक युवक शाम को पकड़ा गया। थाना प्रभारी महिवाल सिंह रावत का कहना है कि पुलिस की लगातार चौकसी से ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। जिस एक युवक को पुलिस ने पकड़ा उसके पास एम्स ऋषिकेश हुई जांच में उसे 14 दिन क्वारंटीन में रखे जाने की बात लिखी गई थी। बावजूद इसके उक्त युवक पैदल अपने घर रुद्रप्रयाग को निकल गया था। इस तरह बद्री केदार धर्मशाला में रखे गए कुल 35 लोगों की व्यवस्था SDM संदीप तिवारी की देखरेख में हो रही है। हमारे देवप्रयाग में करीबन 35 जो बाहर से आ रहे थे, हमारे अन्य प्रदेशों से नौकरी करने वाले हैं, वो जब ये कोरोना संक्रमण की और स्थिति आई तो ये धीरे धीरे पहाड़ की तरफ प्लान करने लगे, जिनको हमने यहाँ पे देवप्रयाग में जो कई रास्तों से यहाँ पर होकर के आए थे, जो पुलिस की नज़रों से बच करके आए थे यहाँ पे, उनको हमने यहाँ पे पकड़ लिया और इन 35 लोगों को हमने यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया। जो बद्री केदार धर्मशाला में है उनको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। हर एक को अलग अलग कमरे में रखा गया है, जिनकी निगरानी है तो डॉक्टर को तथा उनकी खाने पीने की व्यवस्था है तो मैं और स्वयं तहसीलदार साहब यहाँ देवप्रयाग के, जिनके द्वारा किया जा रहा है, जिनको खाने पीने के लिए कोई भी कमी नहीं है, उनके लिए आवश्यक सामग्री जो साबुन तेल और जो पानी के डिब्बे हम लोगों द्वारा उनको वितरण किए गए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से ताकि ये कहीं ना जाए बाहर, इनकी दृष्टि से हमने यहाँ पे एक गार्ड लगा दी गई है। जो सिपाही हैं यहाँ पे वो उनकी निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से बाहर ना जाए। देवप्रयाग में बद्री केदार धर्मशाला में हमने 35 आदमियों को क्वारंटाइन कर रखा है और उनके खाने की व्यवस्था, उनको साबुन तेल और पेस्ट वगैरह सब दिया गया है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इस संबंध में जो लोग कोई खाद्यान्न के बारे में या किसी संबंध में कोई गलत सूचना कंट्रोल रूम को दे रहे हैं, उसमें से हमने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और कोर्ट को मामला भेज दिया गया है, और आगे भी इसमें जो इस प्रकार की अफवाहें झूठी फैलाएगा उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।